यो व्हाट्सअप गाइस, आज कोई टॉपिक नहीं मिला इसलिए मैं आप लोगों के लिए स्टोरी टाइम लेके आया हूँ, जो कि मेरे साथ नहीं मेरी मम्मी के साथ घटा था। ये हाल ही में कुछ दिन पहले ही घटा है। तो हाल ही में मेरे मामा का डेथ हो गया था, बुरा खबर है पर मैंने आप लोगों को बताया नहीं, पर हुआ है, डेथ हुआ था कुछ दिन पहले ही, 3 महीना होगा शायद से, हाँ 3 महीने है। तो मेरे मम्मी के साथ ये घटा है। तो हम लोग मेरे नानी के घर में रहने गया था, फिर मेरे नानी के घर में मेरा मामा रहता था, तो उधर पे काम वाम हुआ। तो एक उसी दिन करीब मरने के 3-4 दिन बाद, तो तब हम मरने के 3-4 दिन बाद मेरे मम्मी को क्या मिला, मेरे मम्मी सो रहा था, मेरा 3 मौसी है, मतलब एक मेरा मेरे मम्मी सबसे छोटा, फिर मेरा एक बड़ा मौसी है, एक मिडिल मौसी है, मिडिल मतलब बीच का मौसी। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, तो मेरा मिडिल का मतलब बीच का जो मौसी था वो मेरे मामी के घर में सो रहा था, और मेरा मम्मी और बड़ा दीदी मेरे मम्मी का मतलब मेरा बड़ा मौसी, वो लोग हम लोग एक साथ ही सो रहे थे। तो मेरे सुबह के टाइम करीब 6-7 बजे, 7:30, 8:30, 5 या 6 बजे, हाँ 5 या 6, तो मेरे मम्मी को मतलब झाड़ू थे मतलब सफाई करने का आवाज़ आया, मतलब वो उसको कहते, आपके उधर क्या कहते मुझे तो नहीं मालूम, पर हमारे इधर झाड़ू कहते, तो उससे सफाई करने का आवाज़ आया था। मेरी मम्मी को लगा कि शायद से मेरा बड़ा दीदी उठ गया, मतलब बीच वाला दीदी उठ गया, मैं भी जाता हूँ, अकेला अकेला काम करेगा, तकलीफ हो सकता है, मैं भी जाता हूँ। मम्मी जैसे ही गया, डरा अपना बात कोई भी नहीं था, और मम्मी को पूरा क्लियर सुनाई दिया, और मेरे बड़े मौसा को भी पूरा सुनाई दिया थोड़ा थोड़ा। तो उसके मम्मी हमारे नानी के घर के पीछे वाले रास्ते में भी गया, कोई नहीं। मम्मी तो पूरा एकदम हॉरर फिल्म की तरह कर रहा था भाई, जब पता है कोई मेरा मम्मी को मैं अब कुछ कह भी नहीं सकता। उस दिन मेरे मम्मी को मतलब तबीयत ठीक था पर नींद नहीं आया। तो आज के लिए इतना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगाई, प्लीज़।